अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। 2020 का डूबता हुआ सूरज और इस वक्त जो है ना, हम सीबीयू पे मौजूद है। मेरे साथ बहुत ही फेमस हस्ती जिनको आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पीएमसी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट नुमान अली शेख साहब से। मेरे साथ मौजूद हैं और डूबता सूरज देखने आए हैं, सीबीयू पे मौजूद हैं, और हम इनसे जानेंगे 2020 कैसा रहा, क्या क्या किन किन प्यारों को खोया, और 2021 में क्या उम्मीदें रखते हैं, किस तरीके से क्या प्लानिंग है पीएमसी के हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और डूबता हुआ सूरज भी आपको दिखाएंगे। ये पहले आप देखें कि ये सूरज डूब रहा है। सीबीयू पे मौजूद है इस वक्त कराची में, और मेरे साथ जो है ना नुमान अली शेख साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या हालवाल हैं, कैसे मामलात रहे मीडिया के हवाले से, दुनिया के हवाले से, कोरोना के हवाले से और दीगर बहुत सारे मामलात। और क्राउड भी अच्छा खासा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग फैमिलीज के हमारा आए हुए, और ये आप देख सकते हैं ना, ये हमारा एक दोस्त है अभी आया है, और अभी इसको लेके जो है हम सीबीयू पे आ गए। बेचारे ने पानी भी नहीं पिया और पूछा भी नहीं, लेकिन वो बड़ा चिल कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। उसको पाकिस्तान देखने का, पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी हम चलते हैं नुमान अली शेख साहब की जाना। जी नुमान भाई, माना हुए ने, रुखसत हुए ने। अच्छा, पंजाबी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी मदर लैंग्वेज है, तो कुछ दोस्त मेरे पंजाब से भी हैं, कुछ कराची से हैं। तो इस कोरोना की वबा में जो पूरी दुनिया को एक अपनी लपेट में ले रखा है कोरोना ने, तो जितने भी इस दुनिया से 2020 में रवाना हुए हैं सफ़र आखरत की तरफ, तो उन सब के लिए दुआ गए अल्लाह ताला उन सब की मगफरत फरमाए, उन सबको जन्नत अल फरदौस में जगह दे। जितनी साफ़ी कबीला खासकर
माली मुश्किलात का जो शिकार हुआ, जो बाकी लोग दीगर मुख्तलिफ मामलात का शिकार हुए, हम उनके लिए दुआ गए अल्लाह ताला उनके रिज़क में बरकत दे, उनके रिज़क में इजाफा करे, और 2021 का सूरज जब निकले तो वो बड़ा वो जो है ना उनके लिए बेहतरीन हो। ये देख सकते हैं आप, सूरज बिल्कुल आखिरी किरणें, और बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये वो 2020 का सूरज था जो गुरूब हो चुका है और चंद लम्हों बाद मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। कराची के आप देख सकते हैं सराउंडिंग में, मेरे अतराफ में बहुत सारी फैमिलीज़, दोस्त और बहुत सारे लोग जो अपनी फैमिलीज के मरा हैं, कुछ वेंडर्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को फरोख्त कर रहे हैं, कोई वो कहते हैं ना पापड़ छापड़ और ये चीज़ें, वो जो है ना गर्म अंडे और दीगर बहुत सारी चीज़ें, तो हम इन सब के रिज़क के लिए भी दुआगो हैं, और जो इस दुनिया में रुखसत हुए उनके लिए दुआगो हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा बाइक लवर, ये आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना अपनी फैमिलीज के हमारा आए हुए हैं। अभी यकीन जाने में सिर्फ जी अच्छा, तो थोड़ा सा चेहरा भी दिखा दें क्योंकि सूरज तो गुरूब हो गया, और मेरे साथ जो है ना नुमान अली शेख साहब मेरे साथ। अच्छा, इस वक्त जो है ना लें, ये एक और आ गया भाई, 2020 का पैगाम दे दो, सूरज गुरूब हो गया। ये हमारा दोस्त है बड़ा प्यारा, और यहीं पे होता है। कौन सा दोस्त है? मेरी वीडियो वायरल हो जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, इनकी वीडियो आपने वायरल नहीं करनी है, इनका जो है ना मानना ये है, आप 10 रुपये इनको दे। हाँ, क्या बोलो, 10 रुपये में इधर वीडियो बनाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं अपनी फैमिलीज के मरा आखिरी सूरज देखने के लिए। 2020 का आखिरी से मुराद 2020 है भाई, कोई और नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती तंदुरुस्ती और आपके कारोबार में बरकत दे। और अभी जस्ट फौरी सीधा जो है ना एयरपोर्ट से आ रहे हैं, क्योंकि एक दोस्त है हमारा, वो हमारे साथ मौजूद है, नुमान अली भाई के बिज़नेस पार्टनर हैं, और आज ही जो है ना इन्होंने लैंड किया, आप देख सकते हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम ये जो 2021 का साल है, ये हमारे फार्मर्स के लिए, वो यहाँ पे आए, पाकिस्तान की ब्यूटी देखें, पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान के जो खूबसूरत साहिल हैं ये देखें, और मैं आप सबसे भी यही बात करूँगा कि आप सब लोग भी अपने दोस्तों को कराची में, पाकिस्तान में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी के हो, कहीं भी हो, तो आप सब लोग जो है ना अपने दोस्तों को इनवाइट करें। ये हमारे नुमान अली शेख भाई अभी सेल्फी भी ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सेल्फी सीज़न है, और सेल्फी सीज़न में तो आपको पता है हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कार लेटो मेरे साथ मौजूद है सर। अच्छा, सर्दी तो है लेकिन क्योंकि वो अभी है और हो सकता है थोड़ा एक दो दिन लगे सेट होने में, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको भी जो है ना, इनको भी जो कराची की और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, उससे हम जो है ना वो दिखाएंगे। और बिल्कुल, ये एक सेल्फी सीज़न चल रहा है हमारा। अच्छा, ये तो चलता रहेगा, हवा भी चल रही है, बड़ी ठंडी हवा है, और आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, ये दिखाने का मकसद आप सब लोगों को ये है कि ये पाकिस्तान का जो सूरज है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स मौजूद हैं और सेल्फी सीज़न चल रहा है इस वक्त, एंजॉय कर लें, दोनों पार्टनर हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता, जो भी करेंगे बहरहाल बेहतर ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान के लोग कितने ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, कितने मेहमान नवाजी रखते हैं, यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिंदा दिल लोग हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अब कोरोना की बात की जाए तो लोगों ने मुकम्मल SOPs को फॉलो कर लिया, मुझे लोग फासले पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मछेरे जो हैं वो अपना शिकार कर रहे हैं मछलियों का, वो अपना काम कर रहे हैं अपना। और आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे साथ जो है ना, ये भी मौजूद है, ये भी हमारा पाकिस्तान की एक ब्यूटी है, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा ये देखें चलिए वाली ये बेच रहे हैं, और ये कुछ बट्टा शट्टा, और ये मोटर बाइक कार्स, और अच्छा दोनों तरफ हैं ये कराची के, ये देख सकते हैं आप साहिल पे इस वक्त मौजूद, दोनों तरफ हैं ये लोग जो है ना, और जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी मेरे दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से
बहुत सारी नेक ख्वाहिशात नेक दुआएं उनके लिए, उन सबको अपने जो मान में रखते 2021 का साल हम सबके लिए कामयाबी का साल हो, और दुआ गो हैं कि जितने भी 2020 में हमारे अपने प्यारे, चाहे वो पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान से बाहर रहते थे, कराची में रहते थे, कराची से बाहर रहते थे, वो इस दुनिया में पानी से चले गए, उन सबके लिए दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन सबकी मंगत फरमाए, और जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला उन सब में इतिहाद पैदा करे, क्योंकि इतिहाद की बड़ी शदीद ज़रूरत है इस वक्त हमें, और अगर इतिहाद होगा तो हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें उनका मुकाबला कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ों में। अभी हम सोचते हैं कि हमने ये करना है, वो नहीं, हम सबने मिलकर ये काम करना है, और जैसा पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के हवाले से आपको बता दूँ, हमारा भी एक बड़ा अच्छा काम करने में इनको कराता हूँ, और हमेशा साहबियों के फ्लो बहबूद के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह इनके अगले प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। अभी हमारा कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन था, वो खुदा पजीर हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा इज्जत से नवाजा, और हर दोस्त इलेक्शन से एक दिन के लिए होते हैं आपको पता है, और उस एक दिन में वो सारे हम जो है ना जितने भी मामला ज़िंदगी हैं बस वो एक दिन ही होता है, बस उसके बाद हम सब एक ही प्लेट पे, एक ही पेज पे, एक ही मतलब एक ही जगह बैठ के हम खा रहे होते हैं, चीज़ें होते हैं, और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको दिखा दूँ, सूरज डूब चुका है और मेरा जो है रोशनियाँ अभी थोड़ी देर में जो है जगमगा रही, रोशनियाँ बिल्कुल ऑन हो चुकी हैं, रानें भी हो रही हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम थोड़ा आबादी से दूर हैं, बिल्कुल साहिल पे खड़े हैं, इसलिए आपको जो है ना ये आप देख सकते हैं कि हमारे एक दोस्त है अभी पहुंचे, तो ये एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए होती है बात, आप भी अपने दोस्तों को इनवाइट करें पाकिस्तान, उनको बुलाएं, उनको दिखाएं कि आपने कैसे ये साल अपने दोस्तों के साथ गुजारना है। सर्दी लग रही है लेकिन खैर है, अभी आया है, थोड़ी देर टाइम लगेगा। ओके ओके ओके, तो ये हमारे नुमान अली शेख साहब हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल मौजूद हैं, और अच्छा देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, अपने मोबाइल पे मस्तियां कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आप अपने मीडिया के दोस्तों को 2021 के हवाले से कुछ नेक ख्वाहिशात या पैगाम या कोई बात? जनाब मैं तमाम ही जितने मेरे मीडिया का दोस्त हैं और उसके अलावा जो हमारे शहर हैं तमाम लोगों को मेरी एक ही दुआ है, लेकिन इन्जॉयमेंट ज़रा ये ज़्यादा दिखाएंगे तो अच्छा होगा, ये साथ है तो गाड़ी से जो है मज़े कर रहे हैं, मट्टी उड़ा के जो है। अच्छा देखिए ये भी एक फ़न है, ये भी एक पार्ट ऑफ फ़न है, हम लोग इसमें इंजॉय करते हैं, लोग आते हैं अपनी गाड़ियों पे मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं, ये ज़िंदा दिलाने कराची के लोग हैं, और ज़िंदा दिलाने कराची आप जानते हैं, जैसा कि नुमान अली भाई बता रहे थे। जी प्लीज़। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम दोस्त जो भी हैं, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है हुआ को कि 2021 जो है वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साबित हो, 2020 से कई सौ गुना ज़्यादा अच्छा साबित हो, क्योंकि हमने जो प्यारे दोस्तों के साथ हुए उनकी यादें जो है आज हैं, और 2021 के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात दुआएँ मेरी जो है तमाम दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए उनकी, और लोग यार 2020 में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे और परेशानी कंडीशन में रहे, ताज़ा है ज़ाहिर सी बात है, मीडिया पर काफ़ी सारे लोग देखा, बहुत तरीके से जानते हैं, जिनका बहुत जो है ना बेहतरीन बिजनेस था, लेकिन आज वो बहुत परेशान है, और यही मैं तमाम दोस्तों से और आपसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्तों की दुआ करें, जो भी लोग हैं जिसका जो भी जिस तरह कारोबार है, जैसे पर मैंने बताया वेंडर्स यहाँ मुख्तलिफ जगह काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें वगैरह सबका किसी तरीके से जो है बिजनेस जो है जुड़ा हुआ है, आपको इंटरप्ट करूंगा, ये बताएं कि जो आपने अभी न्यू ईयर पे अपने दोस्त को इनवाइट किया पाकिस्तान में, तो इसकी क्या वजूहत थी, क्या दिखाना चाह रहे थे, दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे थे, कुछ इस हवाले से बताएं कि ताकि दूसरे लोग भी आपकी बात से मुतफिक हो सके और कुछ कुछ उनको पैगाम दें कि अपने फॉरनर्स को, दोस्तों को कैसे पाकिस्तान जो है ना कहूँगा
होटलों के मालिक जो है यहाँ रहते हैं और हमेशा उनका जो एटीट्यूड रहा है हमारे पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है। तो हम उनको बुला के इसी भी साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं उनको कि माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन मुल्कों में से है और कोरोना की इस वबा की लपेट के बावजूद भी जो है हम अलहमदिल्ला बहुत खुशहाली से नहीं गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से नहीं गुजार रहे हैं। तमाम दोस्तों के साथ तमाम दोस्तों यहाँ दोस्तों को दावत दें, बुलाएँ, उनको दिखाएँ, उनको इन्जॉय कराएँ, क्योंकि जो नक्शा इस वक्त दुनिया का है, जिस तरह का हालात संभव है, मतलब बहुत सब जानते हैं और हमने इसलिए उनको दावत दी, बुलाया, इसलिए कि वो यहाँ आए और आके पाकिस्तान विजिट करें, इन्जॉय करें, पाकिस्तान को क्या चीज़ को इन्जॉय करें, और तमाम दोस्त आपसे दरखास्त है दोस्तों को बुलाएँ और इन्जॉय करें। अच्छा, अब मेज़बानी के लिए जो है ना मोबाइल में अपना ले रहा हूँ नुमानी शेख भाई को, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे पैगामात, बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी नेक तमन्नाएँ आप सबके लिए। जैसा कि नुमानी शेख भाई पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ जो है ना स्टेजेस पे काम कर रहे होते हैं, और खाली सिंध के नहीं बल्कि पाकिस्तान के, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में और दीगर बहुत सारी जगहों पर ये लोग अपना वेलफेयर का और बहुत सारे सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। 2020 का साल बहुत सारे हमने अपने खोए, अपने वो खोए जो हमारे लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही कीमती, और ये 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए ना भूलने वाला साल है, और हम उन सब की अरवाह को साल स्वाब के लिए कोशिश करें, दुआ करें, फातिहा पढ़ें, उनकी जो लोग बीमार हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, खासकर ये कोरोना की वबा जो है इसकी, इससे बचाव के लिए आप एहतियाती तदाबीर SOPs को लाजमी फॉलो करें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं, तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पार्टनर्स को यहाँ पर इन्वाइट करें और उनको दिखाएँ कि पाकिस्तान एक बड़ा पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर लोग हंसते मुस्कुराते खूबसूरत मेहमानबाजी करते हुए नज़र आते हैं, और आप कोशिश करें कि जितना हो सके पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने, दुनिया को बता सकें, दिखा सकें, जहाँ कहीं भी मुमकिन हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपका कोई पर्सनल किसी से लिंक्स हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, फ़ोन पे हो, इंटरनेट पे हो, किसी भी ज़राए से हो, तो कोशिश करें आप उन तमाम दोस्तों को अपना पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दें। तो 2020 का साल इख्तिताम पज़ीर हुआ, सूरज ग़ुरूब हुआ, और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, कराची पाकिस्तान जो रोशनियों का शहर है, आप देख सकते हैं आएँ गाएँ लोग, आपको रोशनियाँ नज़र आनी शुरू हो गई। तो हम उन सब दोस्तों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप सब दोस्तों को यहाँ पर पाकिस्तान बुलाएं, इनवाइट करें, उनको पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाएं, उनको पाकिस्तान के लोग दिखाएं, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दिखाएं, और 2020 का साल हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा एक मसला था, जो एक वबा थी वो बड़ी, वो जो है ना ख़तरनाक किस्म की वबा थी, जिससे छुटकारा ताहाल नहीं मिल सका मुकम्मल, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि 2021 का सूरज जब निकलेगा तो इंशाल्लाह हम सब एक नई राह पे गामजन होंगे, जिसमें खुशहाली होगी, तरक्की होगी, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये लेंथी है, और नुमान अली शेख साहब बता रहे हैं कि जनाब बहुत लंबी होगी वीडियो, लेकिन ये वीडियो लंबी करने का मकसद ये है कि 2020 का साल एक ऐसा साल है कि जिसमें हमने बहुत सारे अपने खोए हैं, और उनका अगर दुख दर्द शेयर करने बैठें तो एक बहुत लंबी दास्तान है। खैर, उन सब की अरवाह के लिए हम दुआ करें और गाय बगाए दुआ करते भी रहते हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत उल फ़िरदौस में जगह अदा करें, और जितने भी लोग मुआशी तौर पर परेशान हैं अल्लाह ताला उन सब के लिए आसान रोज़गार जो है ना वो मुहैया करे, और अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। बहुत शुक्रिया नुमान अली शेख को, मियाँ खुर्रम शहज़ाद को, और जो हमारे साथ नुमान भाई के गेस्ट हैं, उन सब की नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आपके लिए, और नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक। बहुत शुक्रिया, इन दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई हमारी, ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय 2020, अल्लाह हाफिज़।